बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पहले यूनिट में आणविक वेगों के बंटन का नियम हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। उसमें हमने उन अणुओं की संख्या डीएनसी ज्ञात की थी जिनका वेग सी से लेके सी प्लस डीसी वेग परास में होता है, और इक्वेशन 13 उन अणुओं की संख्या डीएनसी देता है। इस इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट्स हैं और इन कांस्टेंट्स के मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। क्योंकि एकांक आयतन में कुल अणुओं की संख्या एन है, तो एन को हम अलग अलग वेग परासों में, जैसे डीएनसी सी से लेके सी प्लस डीसी के बीच में जिन अणुओं का वेग है उनकी संख्या है, और हमें बताया कि गैस के अणु सभी संभव वेगों से, सभी संभव सी के परिमाणों से गति कर सकते हैं, यानी जीरो से लेकर अनंत तक के बीच उनका कोई भी मान हो सकता है। तो उन सभी अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम डी एन सी का सी इक्वल टू ज़ीरो से सी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेशन कर दें, यानी सी इक्वल टू ज़ीरो से लेके सी इक्वल टू इन्फिनिटी तक के वेग परास को हम बहुत सारे छोटे छोटे वेग परासों में विभाजित करके हर में परमाणुओं अणुओं की संख्या ज्ञात करके उनको सबको जोड़ दें, या ये कहें कि हम डी एन सी का सी इक्वल टू ज़ीरो से सी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंटीग्रेशन कर दें। तो इसमें समीकरण 13 से डी एन सी का मान लिख दें तो हमारे पास एन का मान हम यहाँ एन इक्वल टू डी एन सी का मान लिखने पर ये इंटीग्रल आ जाता है, और इसको सॉल्व करें हम तो हमारे पास में जो कांस्टेंट ए है उसका मान बी के टर्म्स में हमारे पास आ जाता है, जैसा समीकरण 14 में हमने लिखा है। अब हमें पता है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, अगर तो u से लेके u प्लस du के मध्य, यानी जिनका x अक्ष के अनुदेश वेग u x अक्ष के अनुदेश वेग है, और x अक्ष के अनुदेश जिनका वेग u से लेके u प्लस du परास के बीच में है, उन अणुओं की प्रति इकाई आयतन जो संख्या होगी उसको अगर हम ज्ञात करना है, तो इकाई आयतन में अणु की संख्या n है और fu हम पहले देख चुके हैं, यह u से लेके u प्लस du के मध्य अणुओं के वेग होने की प्रायिकता है। तो उन अणुओं की संख्या इकाई आयतन में उन अणुओं की संख्या जिनका वेग u से लेके u प्लस du वेग परास में है वो n इंटू fu du के बराबर होगा, और इससे हम fu का मान ए ई माइनस बीटा यू स्क्वायर अपन टू या ए ई माइनस बी यू स्क्वायर जो पहले हम निकाल चुके हैं उसको अगर रखें तो एन यू का मान हमारे पास इस तरह से आ जाता है। अब हमने कहा है कि जो गैस के अणु हैं उसका द्रव्यमान एम है और वह एक्स अक्ष के लंबवत दीवार से मान लो टकराता है, तो यू वेग से अगर दीवार से टकराता है तो दीवार की तरफ जाते समय उसका संवेग एम यू है, और दीवार से टक्कर के बाद में वापस रिवर्स डायरेक्शन में वो गतिशील हो जाता है, और क्योंकि टक्कर प्रत्यास्थ है तो वापस जाते समय उसका संवेग माइनस एम यू होगा, तो टक्कर में प्रति टक्कर संवेग में जो परिवर्तन होगा वो 2mu के बराबर होगा। तो इस तरह के बहुत सारे अणु दीवार से टकरा रहे हैं, तो इकाई क्षेत्रफल पर, दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या nu उन अणुओं की संख्या है इकाई आयतन में जो x डायरेक्शन में u वेलोसिटी या u से लेके u प्लस du के बीच में जिनका वेग है, और सारे ये अणु दीवार से u वेग से टकरा रहे हैं ऐसा मान के चलें। अगर जो हम परास ले रहे हैं u से u प्लस du, du का मान अगर बहुत छोटा है तो हम सारे अणु u वेग से जा रहे हैं ऐसा मान सकते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पात्र की दीवारों से टकराने वाले अणुओं की संख्या u
इंटू एन यू होगी। और ये अणु जब लगातार दीवार से टकराते हैं तो यह दीवार पर एक बल लगाते हैं, और बल के कारण हम ये कह सकते हैं कि पात्र के दीवार पर वह दाब लगा रहे हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो अणु जा रहे हैं वह पात्र की दीवार पर जो बल लगा रहे हैं उसको हम 2mu into unu से लिख सकते हैं। यहाँ पर यह जो 2mu into unu है यह उन अणुओं द्वारा लगाया गया दाब है जिनका वेग u से लेके u plus du के बीच में है। अब अगर हम 2mu into u into nu के विमा निकालें तो यह विमा दाब की आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन दाब को बता रहा है। और हम उन सभी अणुओं जो कि x अक्ष के लंबवत दीवार से टकरा रहे हैं उन सबके द्वारा जो दाब लग रहा है वह अगर कैलकुलेट करना चाहें तो पूरे u से लेके u plus du के अलावा हमके 0 से लेके अनंत तक के सभी अणुओं के कारण लगाए गए दाब को जोड़ दें तो दीवार पर लगने वाला कुल बल हमें प्राप्त हो जाएगा, या ये कहें कि समाकलन कर दें। तो यहाँ पर हमने 0 से अनंत तक समाकलन किया है और nu का मान हमने रखा है, तो यह समाकलन हमारे पास में आया है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो और a का मान समीकरण 14 से अंडर रूट बी ओपन पाई रखें तो हमारे पास में p जो दाब है उसका मान mn अपन 2b आता है। और गैस अवस्था समीकरण से pv इक्वल टू rt या pv इक्वल टू nkt हम लिखते हैं, और क्योंकि इकाई आयतन की बात कर रहे हैं तो v इकाई हो गया, तो p बराबर nkt लिख सकते हैं, तो p बराबर nkt लिख दें तो b का मान हमारे पास में समीकरण 15 के अनुसार आ जाता है। तो b जिसको हम बीटा बाई 2b कह रहे हैं वो m अपन 2kt के बराबर हो गया। तो इस तरह से समीकरण 14 से a का मान और 15 से b का मान हम समीकरण 13 में रखें तो dnc का मान माने उन अणुओं की संख्या जिनका वेग c से लेके c plus dc के बीच में है वह हम इस तरह से लिख सकते हैं समीकरण 16 के अनुसार। यह समीकरण मैक्सवेल का वेग बंटन का नियम है, यह उन अणुओं की संख्या देता है जिनका वेग वेग समष्टि में वेलोसिटी स्पेस में जहां हमने x, y और z अक्ष के जगह पर u, v और w वेग अक्ष लिए हैं उस वेग स्पेस में वेग समष्टि में त्रिज्या c और dc मोटाई के गोलीय कोश में जो अणु हैं यानी जिनका वेग c से लेके c plus dc के बीच में उन अणुओं की संख्या हमें देता है। तो अगर हम c से लेके c plus dc के बीच में अणुओं का वेग हो इसकी अगर प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता fc होगी, और इस प्रायिकता से हम उन अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिनका वेग c से लेके c plus dc के बीच में इकाई आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो इसको प्रायिकता से गुणा कर दे तो यह उन अणुओं की संख्या बताएगा जिनका वेग c से लेके c plus dc के बीच में आता है। dnc को मैं n fc dc लिख सकता हूँ, या इससे हम जो प्रायिकता है c से लेके c plus dc के बीच में वेग होने की fc dc उसको मैं dnc अपॉन n लिख सकता हूँ, और dnc का मान हमें पता है तो fc dc का मान हम समीकरण 17 के अनुसार लिख सकते हैं। तो यह जो dnc अपॉन dc हमने लिखा है यह मैक्सवेल यह जो समीकरण है dnc अपॉन dc यह आणविक चालों का मैक्सवेल बंटन फलन कहलाता है। अगर इस फलन को मैं c के साथ प्लॉट करूं, मैंने x अक्ष पर हम c लेते हैं और y अक्ष पर अगर dnc अपॉन dc लेते हैं तो हमें चित्र के अनुसार वक्र या आलेख प्राप्त होता है। इस आलेख में अगर हम कोई दो बिंदु लें c अक्ष पर वेग के अक्ष पर जहां हमने x अक्ष पर जहां हमने वेग c लिया है, तो इस आलेख में अगर c से लेके c plus dc के मध्य चाल वाले अणुओं की संख्या dnc अगर हम ज्ञात करना चाहें तो वह c से लेके c plus dc
के मध्य डीसी चौड़ाई की एक पट्टी के क्षेत्रफल वाला दी जा सकती है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अगर निकालें सी से लेके सी प्लस डीसी यानी डीसी मोटाई की जो पट्टी है और वक्र के नीचे जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वह हमें उन अणुओं की संख्या देती है यानी डीएनसी देती है जिनका वेग सी से लेके सी प्लस डीसी के बीच में। और अगर इस संपूर्ण वक्र के नीचे का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो यह सारे अणुओं की संख्या बताता है, कुल अणुओं की संख्या, माने जो अणु सारे संभव वेगों से गति कर रहे हैं। इस मैक्सवेल के बंटन के नियम का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में कर सकते हैं, जैसे पहला अणुओं की औसत चाल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि अणु गैस के अणु सभी अणु अलग अलग चाल से अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, तो अगर औसत चाल की बात करें हम, औसत चाल यानी सभी अणुओं की चालों को जोड़कर कुल अणुओं की संख्या से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हम औसत चाल कैसे निकालें, तो इकाई आयतन में हम कह रहे हैं जो उन अणुओं की संख्या जिनका वेग सी से लेकर सी प्लस डी सी के बीच में है उनकी संख्या डी एन सी है, तो उन सब अणुओं के वेग का जोड़ सी इंटू डी एन सी से दे सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि हम सभी अणुओं के औसत चाल निकालना चाहते हैं, तो अणुओं का वेग जीरो से के इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो मैं सी डी एन सी को इंटीग्रेट कर दूँ जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, तो यह उन सभी अणुओं के वेग का जोड़ आ जाएगा और उसको मैं एन से डिवाइड कर दूँ, तो इकाई आयतन में अणु की संख्या एन है, तो यह हमको औसत चाल देगा। इसमें डी एन सी का मान हम समीकरण 16 से लिखते हैं, तो और कुछ कैलकुलेशन करें तो हमारे पास में औसत चाल का मान आ जाता है 8 kT अपॉन पाई एम अंडर द रूट। तो इस तरह से हम मैक्सवेल बंटन फलन का उपयोग करके औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से हम वर्ग माध्यमूल वेग या वर्ग माध्यमूल चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग माध्यमूल चाल माने हम सबसे पहले अणुओं की चालों का वर्ग करते हैं, फिर उसका माध्य लेते हैं और उसके बाद उसका वर्गमूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको पहले अणुओं की चालों का वर्ग करना है, फिर उन सबको जोड़ना है। तो यहाँ हम देखें, हमने किया है इंटीग्रेशन 0 to infinity सी स्क्वायर डी एन सी, तो यह अणुओं के चालों के वर्ग, जितने भी अणु हैं उनके चालों के वर्ग के जोड़ को बताएगा और उसको कुल अणु की संख्या से हमने विभाजित कर दिया, तो यह सी स्क्वायर का औसत मान आ जाएगा और उसका वर्गमूल हमने ले लिया है, तो यह रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्यमूल चाल हो गई। तो सी स्क्वायर आरएमएस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी एन सी का मान हमने लिख दिया और इसको हमने कुछ कैलकुलेशन किए हैं, इंटीग्रल का मान रखा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल का, तो सी आर एम एस का हमारे पास मान आया 3/2b अंडर द रूट और बी की वैल्यू हम लिखते हैं m/2 kT, तो 3 kT/m अंडर द रूट। तो इस तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, माने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, तो जितने भी अणु हैं उनमें से सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं, माने ज़्यादातर अणुओं की जो चाल है वह चाल अधिकतम प्रसंभाव्य चाल है, माने उसकी होने उस चाल के होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमें कहें कि अधिकतम प्रसंभाव्य चाल सी, जिसको हम सी एम भी यहाँ कह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सी एम के होने की प्रायिकता, माने सी वेग होने की प्रायिकता, मान लो हम एफ सी कहें और हम कह रहे हैं कि यह प्रायिकता अधिकतम, माने सी इक्वल टू सी एम वह वेग है जिस पर एफ सी का मान अधिकतम हो जाता है। तो मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा है, किसी भी चीज़ के मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए उसका प्रथम अवकल शून्य होना चाहिए, तो एफ सी अधिकतम हो उसके लिए उसका प्रथम अवकल शून्य होना चाहिए, माने सी एफ सी सी वेग होने की प्रोबेबिलिटी है, तो एफ सी अधिकतम हो उसके लिए उसका प्रथम अवकलज जीरो होना चाहिए। और एफ सी का मान समीकरण 17 से हमें पता है, इसका अवकलन हमने सी के सापेक्ष कर दिया और यह अवकलन शून्य के बराबर होना चाहिए। तो इसका अवकलन करने के बाद में हम
इस तरह से कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं। तो यहाँ ये जो मल्टीप्लिकेशन आया है उसमें 4πnb/π ये सब कांस्टेंट हैं, बाहर जो हमने लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ जीरो के बराबर होनी चाहिए, यानी 1 - bc² जीरो के बराबर होना चाहिए। इससे c का मान हमारे पास आ रहा है √1/b, यानी c बराबर जब 1/b √ हो जाएगा तो वह वेग अधिकतम प्रसंभाव्य चाल होगी, वह चाल जो कि √1/b के बराबर होगी, वह चाल अधिकतम प्रसंभाव्य चाल होगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो प्रायिकता है उसका मान अधिकतम हो जाएगा। तो यह cm के बराबर है, तो c बराबर cm बराबर √1/b, और b का मान हमें पता है और उसको लिखते हैं यहाँ, तो हम cm इक्वल टू 2kT/m लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने गैस के अणुओं की औसत चाल, वर्ग माध्यमूल चाल और अधिकतम प्रसंभाव्य चाल ज्ञात की है वेग के बंटन फलन का, आणविक वेगों के बंटन फलन का उपयोग करके, मैक्सवेल ने जो दिया है उसका उपयोग करके। अगर हम एक निश्चित ताप पर औसत चाल, वर्ग माध्यमूल चाल और अधिकतम प्रसंभाव्य चाल की तुलना करें, यानी cm, c-bar और crms, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, औसत चाल और वर्ग माध्यमूल चाल, वो 1:1.128:1.224 होता है। अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल एक है, तो जो औसत चाल है वो इससे ज़्यादा आ रही है 1.128, और रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड वर्ग माध्यमूल और वो उससे और भी ज़्यादा रहा है 1.224। तो उसको हम तीनों चालों को वक्र में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं जैसा कि हमने लिखा हुआ है। dnc/dc का मान अधिकतम है किस पर? अधिकतम जो चाल सबसे अधिक संभावित है, यानी अधिकतम प्रसंभाव्य चाल cm पर। तो तीनों को इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मैक्सवेल बंटन आणविक वेगों के मैक्सवेल बंटन फलन या बंटन नियम का उपयोग करके कुछ चीज़ें इस तरह से हमने कैलकुलेट की है। आगे हमको अणुओं की ऊर्जा के बंटन फलन के बारे में बात करनी है, तो अगले लेक्चर में हम ऊर्जा बंटन फलन की बात करेंगे।